आप एक चिकन टिक्का ले मेरे लिए, फिर ज़ाफ़रानी बोटी, मलाई बोटी और चीज़ बोटी। तुम क्या लोगी? तुमने ऑलरेडी इतना कुछ ऑर्डर कर तो दिया है। वो सब तो मैंने अपनी मर्जी से ऑर्डर किया है, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? अच्छा मैं दूंगी, आप मेरी क्रीम मशरूम सूप ले आना, ठीक है? थैंक यू। मुझे तो आज बहुत भूख लग रही है, मैं तो दिल भर के खाने वाली हूँ। तुम तो वहाँ तरस गई होगी ना अच्छा खाना खाने के लिए। तुम देखो ना कितनी बीमार और वीक लग रही हो। हाँ यार, वहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, जो बनता है वही खाना पड़ता है। सारा मैं फरहान भाई से कहूँगी कि वो कल के बजाय आज तुम्हारे लिए कोई अकोमोडेशन देखे, वो भी किसी पोश एरिया में। मैं तुम्हें इस माहौल में नहीं रहने दूँगी। पता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे एक ही इशारे पे फरहान भाई ने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर कर दी। मामा को इसका इल्म नहीं है और उन्हें तो होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तो मुझे तुमसे बात करने से भी मना किया है। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। जब अपनों ने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया तो गैरों से क्या गिला करना। सारिम भाई ने बेला को मुझसे बात करने से भी मना कर दिया, उसके सेल फोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो बेचारी कभी कभार छुप कर लैंडलाइन से मुझे कॉल करती है, बहुत अपसेट रहती है मेरे लिए। उसका मिसकैरेज भी मेरी वजह से हुआ। काश मैं उस दिन घर ना जाती और ये सब ना होता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बात का इत्मीनान है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम रो नहीं, इस तरह परेशान मत। अच्छा आंसू मत निकालो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।